Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Diya and टाइटल से पता चल गया है कि इस वीडियो में मैं आइटिनरी बताने वाली हूँ जॉर्जिया और अजरबैजान. ये दो कंट्री अगर आप एक साथ घूमना चाहते हो तो what can be the perfect itinerary that you can take and what are places that you can visit in two countries, ये सब कुछ होगा इस वीडियो में. अगर आप नए हैं चैनल में तो फिर मैं बता देती हूँ कि मैं कुछ महीने पहले लाइक अगस्त सेप्टेम्बर में मैं घूम के आई हूँ और जॉर्जिया एंड अजरबैजान, ये दो कंट्री मैंने एक साथ कंबाइन किया था. उसका सब व्लॉग्स मेरे चैनल ऑलरेडी मेरे चैनल में है, यू कैन चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वीडियो में मैं 4 दिन और 5 दिन का अलग से आइटिनरी बता रही हूँ दो कंट्री के लिए. लेकिन अगर आपके पास और भी टाइम है कि अगर 10-12 दिन का या फिर 15 दिन का आपका ट्रिप है तो मैंने ऑलरेडी एक जॉर्जिया आइटिनरी वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने और भी कुछ सिटीज एंड जगह के बारे में बोला है. इफ़ यू हैव लाइक सम मोर टाइम टू स्पेंड इन जॉर्जिया वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यू कैन चेक फ्रॉम दैट. एंड कमेंट में बताना इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू अ वीडियो ऑन द बजट की ये जो आइटिनरी आज मैं बता रही हूँ ये दो कंट्री अगर आप एक साथ कंबाइन करना चाहते हो तो बजट कितना होने वाला है आपके लिए. सो आई कैन डू अ ब्रेक डाउन वीडियो ऑन द बजट एज वेल. सो वो कमेंट में जरूर बता देना if you're interested in that. तो ये वीडियो में मैं 9 दिन का आइटिनरी बताने वाली हूँ क्योंकि जनरली ना सब एक दिन छुट्टी लेते हैं, लाइक 5 दिन का छुट्टी होता है एंड उसके साथ 2 वीकेंड आपको मिल जाएगा. सो फ्राइडे रात का फ्लाइट लेके एंड यू विल कम बैक ऑन लाइक अराउंड संडे नाइट आप पहुंच जाओगे वापस इंडिया में. तो ये 9 दिन का जो पूरा टूर है कैसे आप स्पेंड कर सकते हो वो मैं बताने वाली वीडियो में. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड मेरा इंस्टाग्राम भी सेम नेम से ही है, वंडर विद दिया, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है तो. एंड यस दैट्स अबाउट द इंट्रो, सो लेट्स स्टार्ट विद आइटिनरी. द फर्स्ट कंट्री जिसके बारे में बताने वाली हूँ इज तिब्लिसी. तो मैं पहले गई थी तिब्लिसी एंड देन आई वेंट टू अजरबैजान. एंड इसके ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप को पहले कौन सा जाना है. यू कैन जस्ट चेक द फ्लाइट टिकट, रूट का टिकट कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, यू कैन टेक इट फर्स्ट, लाइक इट्स अप टू यू. बट फर्स्ट मैं जॉर्जिया के बारे में बताने वाली हूँ. तो इंडिया से जॉर्जिया का डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिगो का, रात के अराउंड 8 बजे दिल्ली से फ्लाई होता है इंडिगो का फ्लाइट एंड यू विल रीच तिब्लिसी एट अराउंड लाइक 12 AM इन द मिडनाइट. तो उस दिन के लिए ऑब्वियसली जाके यू विल जस्ट स्लीप ऑफ इन योर होटल एंड नेक्स्ट दिन से यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग जॉर्जिया. तो मेरा जो प्लान है ये एक्चुअली तिब्लिसी बेस्ड है, तो तिब्लिसी से ही ग्रुप टूर एंड ऑल करके आप जा सकते हो. सो डे 1 इन जॉर्जिया आई वुड सजेस्ट दैट गो अराउंड एंड एक्सप्लोर द सिटी तिब्लिसी. तिब्लिसी में बहुत कुछ देखने का है एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ओल्ड सिटी में रहते हो लाइक ओल्ड तिब्लिसी में तो उसके आसपास में ही आपको मेजर अट्रैक्शन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बेसिकली है सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा. और फर्स्ट दिन के लिए यू डोंट नीड एनी टूर, ये जो सिटी जो है वो आप पैदल ही चल के जा सकते हो, लाइक ओल्ड तिब्लिसी में सब कुछ आसपास में ही है. और अगर आपको थोड़ा अगर इधर उधर जाना है यू कैन टेक कैब्स, बोल्ट इज द ऐप विच इज लाइक रेडली अवेलेबल. सो यस डे 1 यू कैन जस्ट रोम अराउंड तिब्लिसी. फॉर डे 2 इन जॉर्जिया आई वुड सजेस्ट गो टू अ डे टूर फॉर ककेटी रीजियन. सो ककेटी रीजियन इज बेसिकली द वाइन रीजियन ऑफ जॉर्जिया जहाँ पे जनरली वाइन टूर भी रहता है और कुछ कुछ जगह है घूमने के लिए. जॉर्जिया में आपको डे टूर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे लोकल डे टूर मिलता है. अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैंने कहाँ से लिया था, मेरे पास नंबर है, यू कैन डी एम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ से आपको दे सकती हूँ नंबर इफ यू इंटरेस्टेड. बट एनी वे मुझे अराउंड 1400 या 1500 पर पर्सन लगा था. तो वहाँ पे कुछ कुछ मॉनेस्ट्री है, कुछ व्यू पॉइंट्स है, सिग्नागी टाउन है एंड प्लस वाइन टेस्टिंग है, सब कुछ मिला के एक टूर रहता है. सो यू कैन टेक द टूर ऑन डे 2. ऑन डे 3 यू कैन गो टू कस्बेगी. सो कस्बेगी मतलब वहाँ पे कॉकेशस माउंटेन जो है वो माउंटेन का जो ट्रिप है वो ये भी डे टूर ही है. तो जनरली सुबह 8 बजे निकल जाते हैं तिब्लिसी से एंड बाय लाइक 7:30 यू शुड बी बैक टू तिब्लिसी. तो सारा दिन में वहाँ पे बहुत कुछ जगह रहता है घूमने के लिए. बट एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एनी टाइम बिटवीन लाइक अप्रैल, लाइक एंड ऑफ अप्रैल और मिड ऑफ अप्रैल से लाइक नवंबर तक, तो कोई भी आपको स्नो नहीं मिलने वाला है. इट विल जस्ट लाइक नॉर्मल माउंटेन वहां पे मिलेंगे. जैसे मैं जब गई थी कोई भी स्नो नहीं था. अगर आपको स्पेसिफिकली स्नो देखने जाना है गो बिटवीन लाइक नवंबर एंड टू मे बी मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट ये तक आप जा सकते हो, देन ओनली यू विल गेट स्नो और एल्स देयर इज नो स्नो. बट नंदनलेस वहां पे जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है. यू कैन व्यू द माउंटेन्स, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट एंड ऑल. ये भी अराउंड 1500 के अंदर ही पर पर्सन आपको मिल जाएगा ये टूर. ये आई थिंक विदाउट लंच है, लंच अलग से आपको लेना होता है. फॉर डे 3 यू कैन डेफिनेटली विजिट कस्बेगी.
डे फोर के लिए भी आई वुड सजेस्ट यू कैन टेक अ डे टूर. अभी बहुत सारे ऑप्शन है, इट अप टू यू आपका कौन सा इंटरेस्ट है. जैसे मैं गई थी मस्केटा गोरी उपलिस्शिक, ये काइंड ऑफ एंशियंट जॉर्जिया काइंड ऑफ है. यहाँ पे कुछ केव टाउन एंड ये सब है देखने के लिए. अगर ये आपको पसंद है तो यू कैन गो एंड टेक दिस टूर. ये छोड़ के एक बोर्जोमी करके एक टूर है, वो भी डे टूर ही है. सुबह निकल के आप शाम तक पहुंच जाओगे तिबलिसी वापस, वो भी ले सकते हो. और एल्स यू कैन टेक अ दाशबाशी कैनियन ट्रिप, ये भी डे टूर ही रहता है. एंड इसके डिटेल मैंने ऑलरेडी जॉर्जिया आइटिनरी जो वीडियो है वहां पे मैंने बताया है. यू कैन चेक फ्रॉम द लिंक, लाइक आई विल लिंक इट अप हियर एज वेल. इट्स अप टू यू. यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है, अकॉर्डिंगली आप कोई भी डे टूर ले सकते. Now on the fifth day you will be traveling from Tbilisi to Baku. अभी मैं जब गई थी तब रोड बॉर्डर क्लोज था एंड अभी मैं वीडियो भी जब बना रही हूँ, आई हैव चेक लाइक इट्स मेंशन अभी भी रोड बॉर्डर्स क्लोज्ड है जॉर्जिया एंड अजरबैजान के बीच. तो आपको बस या फिर ट्रेन आपको नहीं मिलने वाला है. सो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज फ्लाइट. एंड बट आई वुड सजेस्ट कि अगर बाई चांस रोड बॉर्डर ओपन है देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि फ्लाइट ही ले लेना. बिकॉज आई वॉज चेकिंग जस्ट फॉर दिस जुलाई, मतलब कितना एक डेढ़ महीने बाद का आई वॉज चेकिंग फ्लाइट. तो तिबलिसी से बाकू का फ्लाइट बस 5,000 है पर पर्सन, विच इज वेरी नॉमिनल बिटवीन टू कंट्रीज. और ये बस एक घंटे का ही फ्लाइट है क्योंकि बहुत ही पास में है दो सिटीज. सो यू कैन टेक अ फ्लाइट फ्रॉम तिबलिसी टू बाकू. अभी दिन में अराउंड 6-7 फ्लाइट आपको मिल जाएगा फ्रॉम तिबलिसी टू बाकू. बट मैं सजेस्ट करूंगी कि सुबह का फ्लाइट लेना ताकि यू कैन स्पेंड सम टाइम इन बाकू. डिपेंड्स अपॉन यू, अगर तिबलिसी में आपको कहीं पे और भी घूमना है सो यू कैन टेक अ फ्लाइट दैट इज एट नाइट. लेकिन लाइक पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि सुबह का, आई थिंक मैंने देखा था 9 या 9:30 का एक फ्लाइट है, तो वो लेके आप बाकू जा सकते हो. तो उसका मतलब है कि आप 10-10:30 बजे पहुंच जाओगे बाकू में. एंड होटल में इमिग्रेशन वो सब करके एटलीस्ट 12:30-1 तक आप पहुंच जाओगे होटल में. तो अजरबैजान में मैं सजेस्ट करूंगी कि निजामी स्ट्रीट के आसपास में होटल लेने के लिए, क्योंकि निजामी स्ट्रीट लाइक इज अ वेरी लाइक हैपनिंग प्लेस. उसके आसपास में बहुत सारा घूमने का जगह है एंड द होटल्स आल्सो आर वेरी नाइस उसके आसपास वाला जो होटल है. सो आई वुड सजेस्ट कि उसके वहां पे अगर नियर बाय आप लेते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ मैं जो आइटिनरी बता रही हूँ वहाँ पे आप 12-1 बजे तक तो आप पहुंच जाओगे होटल में. अभी होटल पहुंचने के बाद यू कैन गो आउट, हैव योर लंच एंड वहाँ से यू कैन गो एंड विजिट अ फ्यू प्लेसेस. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगी कि एक कैब लेके चले जाने के लिए टू ओल्ड बाकू. तो ओल्ड बाकू में कुछ कुछ जगह देखने का है. यू कैन विजिट अ फ्यू प्लेसेस, यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन. वहाँ पे कुछ पैलेस भी है, एक मिनिएचर बुक म्यूजियम भी है. तो ये सब आप देखते देखते वहाँ पे टाइम आपका चला जाएगा. एंड अजरबैजान में एक्चुअली अजरबैजान जॉर्जिया दोनों जगह में अराउंड 8 बजे सनसेट होता है. तो आपको लाइट 8 बजे तक आपको पूरा वहाँ पे सनलाइट मिल जाएगा. एंड ये सब पैलेस, ओल्ड बाकू एंड ऑल ये सब घूमने के बाद आई विल सजेस्ट यू कैन गो एंड चेक आउट फ्लेम टावर. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वहाँ पे 3 बिल्डिंग है एंड इट लुक्स रियली नाइस स्पेशली लाइक एट नाइट. एंड उसके बाद यू कैन गो टू हाईलैंड पार्क. तो ये ना ऑल्टीट्यूड थोड़ा ऊपर है तो वहाँ से पूरा बाकू सिटी का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है रात में. तो यू कैन गो टू हाईलैंड पार्क एट नाइट एंड वहाँ से डिनर करके यू कैन जस्ट गो एंड कम बैक टू योर होटल. योर डे 6 ऑफ योर जर्नी, इस दिन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी एक डे टूर लेने के लिए. और कोई भी कंट्री में जाने के टाइम आई वुड सजेस्ट कि वहाँ का जो लोकल एजेंसी रहता है वहाँ से बुक करने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे कम में मिल जाता है. मैं जब गई थी मुझे एक्चुअली मिला नहीं था वहाँ पे लोकल टूर एजेंसी, तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन बुक करना हुआ था. तो ट्रिप एडवाइजर, वायटर, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट है. इफ़ यू वॉन्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट, मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी बुक कर सकते हो. लेकिन ना प्राइस बहुत डिफरेंस रहता है. लेकिन अगर लोकल में आपको दे आर चार्जिंग 2,000 रुपीज, तो वही ऑनलाइन बुक करने से आपको शायद 4,000-4,500 रुपये लग जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे लोकल जाने के लिए, अभी तो इंस्टाग्राम में अजरबैजान बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे रील्स भी है, वहाँ से भी शायद आपको नंबर मिल जाएगा. बट येस, यू कैन टेक अ लोकल टूर. सो फॉर डे 6 यू कैन टेक अ लोकल टूर विच विल कवर कैंडी केन माउंटेन, जो बहुत ही खूबसूरत एक पिंक काइंड ऑफ माउंटेन है. उसके साथ यू कैन गो टू किनालोग विलेज, गुबा माउंटेन, बेश बर्बाक माउंटेन. एंड ये सब घूमने के बाद और एक भी आई थिंक टूर रहता है जहाँ पे शादाग भी इसके साथ ही रहता है कम्बाइंड. बट मैं एक्चुअली इस टूर में गबाला सजेस्ट कर रही हूँ. तो लाइक गबाला अगर आप जा रहे हो तो फिर शादाग जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दोज आर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ प्लेसेस. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि किनालोंग विलेज और जो खूबा माउंटेन्स जो है ये टूर रखने के लिए. तो यू विल कवर अप द सीनिक ब्यूटी ऑफ अजरबैजान. तो ये टूर जनरली आपका 6:30 या फिर 7-7:30
बजे तक आप पहुंच जाओगे बेसिकली बापू निजामी स्ट्रीट के वहां पे, दे विल ड्रॉप यू ऑफ। तो वहां पे होटल डायरेक्ट मत जाना, वहां पे एक्चुअली गो टू बाकू बुलेवार्ड। तो बाकू बुलेवार्ड बेसिकली एक जगह है जिसके इट ओवरलुक्स द कैस्पियन सी। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है, वहां पे आप बैठ के यू कैन सी द ओशन, तो यहाँ पे भी कैस्पियन सी आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो बुलेवार्ड जो जगह है मुझे काफी अच्छा लगा था। तो मैं एक्चुअली जब गई थी वहां पे वो सुपर ब्लू मून ऐसा कुछ था, सो इट एक्चुअली लुक्ड रियली रियली नाइस। तो आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट मत जाना वहां पे, यू कैन गो देयर। वहां पे एक बाकू आई भी है विच इज वेरी सिमिलर टू लंडन आई, यू नो एक मेरी गो राउंड काइंड ऑफ है, तो वहां पे भी आप जा सकते हो। वो भी वो बाकू बुलेवार्ड जो है उसके पास में ही है। एंड ये सब देख के यू कैन गो टू निजामी स्ट्रीट, हैव सम गुड फूड। निजामी स्ट्रीट में बहुत सारे अच्छे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पब्स वो सब है, वो सब करके यू कैन गो बैक टू योर होटल। और डे 7, इसके लिए भी आई वुड सजेस्ट टेक अ डे टूर। ये डे टूर भी आप ऑनलाइन ले सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन। ऑफलाइन का तो यू हैव टू चेक, बट ऑनलाइन मैंने जो टूर लिया था दैट कॉस्टेड मी 4.5K पर पर्सन। उसका लिंक इफ यू वॉन्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट, मैं उसका लिंक दे दूंगी। ट्रिप वैसे काफी अच्छा था। तो आई हैव कवर्ड अप, सो वी हैड एक्चुअली कवर्ड अप कपल ऑफ प्लेसेस। तो सबसे पहले हम गए थे बीबी हेबत मॉस्क, उसके बाद गए थे गोबुस्तान विच इज लाइक अ केव टाउन, नेक्स्ट वी हैड बिन टू मड वोल्केनो, उसके बाद यनरदाग, एंड फाइनली अतिशकर, एंड उसके बाद हैदर अलीफ सेंटर। तो ये सब सारा दिन में हमारा हो गया था। आई थिंक वी लेफ्ट अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग और शाम को अराउंड 7 बजे तक हम पहुंच गए थे। अगेन वी एक्चुअली गॉट डाउन एट दैट बुलेवार्ड काइंड ऑफ प्लेस। वहां पे लिटिल वेनिस करके एक जगह है, तो बेसिकली यहाँ पे ना बोटिंग कर सकते हो। दिस एक्चुअली लुक्ड रियली नाइस। वो सेम बुलेवार्ड जो है उसके पास में ही है और वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है। इफ यू वॉन्ट टू हैव समथिंग यू कैन गो एंड हैव देयर, एंड वहां पे अगेन लाइक स्पेंड सम टाइम देयर, एंड यू कैन गो टू एंड यू कैन वॉक बैक टू निजामी स्ट्रीट फ्रॉम दैट बुलेवार्ड। वो सब ना 2-2.5 किलोमीटर के अंदर ही है, तो चल के आप जा सकते हो। तो निजामी स्ट्रीट में जैसे मैंने बताया कि वहां पे बहुत सारे खाने का दुकान है, पब्स है, देयर आर मेनी शॉप्स एज वेल। अगर आपको मैग्नेट, सुवेनियर्स ये सब खरीदना है वो भी आपको निजामी स्ट्रीट में ही मिल जाएगा। तो वो ना एक वॉकिंग स्ट्रीट है बेसिकली, तो वहां पे बहुत सारे दुकान है। यू कैन जस्ट यू नो रोम अराउंड द निजामी स्ट्रीट एंड यू कैन गो बैक टू योर होटल। अभी डे 8 और 9 का जो प्लान है ये डिपेंड होता है कि आप कौन सा ले सकते हो। अगर आपको शेकी नहीं जाना है, नाइट स्टे नहीं करना है शेकी में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डे टूर ले सकते हो। जो गबाला जो है, गबाला डे टूर बहुत सारे लोकल एजेंसी से आपको मिल जाएगा। सुबह बाकू से निकल के यू कैन लाइक गो अराउंड ऑल द प्लेसेस इन गबाला, गो टू द रोप वे एंड ऑल, एंड कम बैक टू बाकू, एंड नेक्स्ट दिन यू कैन टेक योर फ्लाइट बैक टू इंडिया। लेकिन मैं जो बता रही हूँ आइटिनरी, दिस इज द वन दैट आई हैव टेकन। तो होटल से एक्चुअली हमें नंबर मिला था ड्राइवर का, ही चार्ज्ड अस 30,000 rupees फॉर अ बिग कार, और जो ड्राइवर जो थे वहां पे ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश। तो सबसे पहले लाइक डे 8 में सुबह हम निकल गए थे, लाइक आफ्टर ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट फ्रॉम बाकू। तो सबसे पहले हम गए थे वहां पे नोबुर लेक करके एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत एक लेक है, वहां पे बोटिंग होता है, तो हमने बोटिंग वहां पे किया था। उसके बाद हम गए थे गबाला रोपवे में। तो वहां पे बेसिकली 5 स्टेशन है रोपवे का, एंड जो टॉप स्टेशन है तो वहां से एक्चुअली स्कीइंग स्टार्ट होता है। लेकिन हम जब गए थे तब तो वहां पे कुछ स्नो था नहीं। अभी भी अगर आप जा रहे हो तो स्नो नहीं मिलेगा, इट्स अ नॉर्मल माउंटेन दैट यू कैन सी। बट ये रोपवे का मुझे काफी अच्छा लगा था वैसे, यू कैन डू दैट रोपवे थिंग। तो इसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, एटलीस्ट लाइक 2-3 घंटा रोपवे के लिए आप वहां पे रख सकते हो, एटलीस्ट लाइक 3 आवर्स यू कैन टेक। गबाला जो रोपवे है उसके लाइक आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स वहां पे एक 7 वाटरफॉल काइंड ऑफ एक वाटरफॉल है, वहां पे थोड़ा चलना होता है स्टेयर से। वो वाटरफॉल भी देखने के बाद हम पहुंचे थे शेकी में। तो शेकी एक्चुअली एक छोटा सा एक टाउन है दैट इज इन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अजरबैजान। बेसिकली ये ना आपका रशिया बॉर्डर के पास है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप विंटर में जा रहे हो तो इट विल बी लाइक फुल ऑफ स्नो, लेकिन हम जब गए थे इट वॉज लाइक देर वॉज नो स्नो ऑब्वियसली, बट इट्स अ वेरी स्मॉल क्यूट लिटिल टाउन। तो हम पहुंचे थे लाइक गबाला ये सब घूमने के बाद, पहुंचते शेकी रात हो गया था। तो वहां पे जाके हम बस डिनर, हम एक जगह रेस्टोरेंट गए थे डिनर के लिए, फूड एक्चुअली वॉज रियली गुड देयर। तो उसके बाद वी जस्ट लाइक वी बुक्ड अ होटल इन शेकी। शेकी में भी आपको बहुत सारा होटल का ऑप्शन मिल जाएगा। सो वी स्टेड इन शेकी, सुबह ब्रेकफास्ट करके हम चेकआउट करके हम निकल गए थे। तो शेकी जो टाउन है वहां पे बहुत सारा जगह है घूमने के लिए, लाइक वहां पे शेकी पैलेस है विच इज वेरी ब्यूटीफुल, करवन सराय है, और भी ना आसपास में देर आर अ फ्यू मोर प्लेसेस दैट यू कैन विजिट इन शेकी। तो वो सब देखते देखते यू कैन कम बैक टू बाकू। तो शेकी से बाकू इज अराउंड 250 किलोमीटर, तो अराउंड
4-4.5 घंटा लग जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका फ्लाइट कितने बजे है। तो अगर आप इंडिगो से आ रहे हो, इंडिगो का फ्लाइट मैंने चेक किया है, आई थिंक रात के 1 बजे फ्लाइट है, सो नो नीड टू हरी। तो आप आराम से अच्छे से थोड़ा लेट से चेकआउट करके 10-11 बजे आप निकल सकते हो, और ये सब घूम के अच्छे से लाइक लंच वंच करके यू कैन रीच एयरपोर्ट अराउंड 8 or 9 PM। तो उस दिन के लिए आई डोंट थिंक यू नीड एनी होटल। अगर आप बहुत टायर्ड हो, कुछ घंटे के लिए होटल चाहिए, तो आप बाकू में ले सकते हो, बट आई सजेस्ट दैट देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि आप चेकआउट करके निकल के सब, और आपके साथ कार भी रहेगा तो लगेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब शेकी एंड आसपास का जगह घूमने के बाद यू कैन कम बैक टू डायरेक्टली टू बाकू एयरपोर्ट। Yes, that's how you will spend your day 9. तो मैं जब गई थी, मेरे व्लॉग्स में शायद आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि मैं जब गई थी तब ना अजरबैजान से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था इंडिया का, ये बाद में चालू हुआ था। मुझे एक्चुअली वाया दोहा आना हुआ था, सो मेरा आई थिंक कतार एयरवेज का फ्लाइट था फ्रॉम बाकू टू दोहा, एंड फिर दोहा से मेरा हैदराबाद का डायरेक्ट फ्लाइट था। एंड इंडिगो सेकेंड जो फ्लाइट था वो ऑपरेटेड बाई इंडिगो था, एंड इंडिगो ने हमारा लगेज खो दिया था, लाइक नॉट एग्जैक्टली लॉस, लेकिन जो सेकेंड फ्लाइट था वहां पे एक लगेज बोर्ड ही नहीं किया था, तो उसका तो और ही एक झंझट था, 2 दिन वेट करना हुआ था। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हो तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑब्वियसली यू विल गेट योर लगेज, बट यस दैट इज हाउ यू कैन डू योर 9-day tour टू अजरबैजान। अगर आपका प्लान है कि अगर आप थोड़ी देर और रुकना चाहते हो, यू कैन लाइक तिबली से का, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मैंने 7-day itinerary बनाया है, यू कैन चेक दैट वीडियो, वहां पे कुछ कुछ और भी ऑप्शन मैंने दिया है हाउ यू कैन स्पेंड योर डेज इन जॉर्जिया। और अगर आपको अजरबैजान में और भी कुछ दिन रुकना है, तो फिर उसके लिए भी यू कैन स्पेंड अ फ्यू मोर टाइम इन अ फ्यू मोर प्लेसेस, जैसे शादाग जा सकते हो, शेकी में भी और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और भी कुछ कुछ जगह है जहां पे आप घूम सकते हो। बट ओवरऑल आई थिंक मैक्सिमम पीपल दे डू लाइक अ 9 or 10 days ट्रिप, उसके लिए आई थिंक ये जो आइटिनरी मैंने आज बताया है दैट विल बी परफेक्ट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ द कंट्रीज, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट। एंड अगर कोई भी और टॉपिक है या फिर कोई टॉपिक का सजेशन है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ, यू कैन लेट मी नो दैट इन द कॉमेंट एज वेल, आई विल ट्राई टू डू दैट। और मैं लास्ट मंथ उज्बेकिस्तान घूम के आई हूँ, उज्बेकिस्तान भी बहुत ही पास वाला कंट्री है, 2 घंटा 40 मिनट बस लगता है इंडिया से जाने के लिए उज्बेकिस्तान, तो उसका भी वीडियो व्लॉग स्टार्ट हो गया है, एंड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यू कैन चेक फ्रॉम दैट। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट अगर आप इंटरेस्टेड हो एक बजट वीडियो के लिए, कि अगर अभी जो मैंने आइटिनरी बताया है इस आइटिनरी के लिए आपका कितना बजट चाहिए, अगर आप दो कंट्री एक साथ कंबाइन कर रहे हो 9-10 दिन के लिए। आई कैन डू अ बजट वीडियो सेपरेटली एज वेल, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द बजट। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट, और भी अगर आपको कुछ जानना है यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज विद द सेम नेम, वंडर विद दिया, गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर गाइज, बाय।